हेलो दोस्तों, मैं सर प्रेरक त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। आज मैं एक कैंपस टूर दिखाने जा रहा हूँ यूपी के एक टिपिकल नए मेडिकल कॉलेज का। तो मैंने इसके लिए चूज़ किया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अयोध्या का, जो बेसिकली है फैज़ाबाद में, लेकिन यू नो अयोध्या ही देंगे उसको नाम, DMC अयोध्या। सो वहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की, काफ़ी चीज़ें देखा एंड मैंने काफ़ी समझा कि जितने भी नए मेडिकल कॉलेजेस हैं 2019 में जो खुले हैं, GIMS नोएडा के अलावा जितने खुले हैं, उनके अलावा कॉलेजेस जो हैं उनमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, एंड मुझे लगता है वो चीज़ें मुझे डिस्कस करनी चाहिए। तो इसीलिए पहले कैंपस टूर कर लेते हैं, उसके बाद में जितनी भी चीज़ें हैं मैं वो डिस्कस करता हूँ। तो सर्दियों की सुबह सुबह हम लोग पहुँचे राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या में, एंड ये रहा एकेडमिक ब्लॉक। काफ़ी अच्छा बना हुआ है कॉलेज, बिल्डिंग तो अच्छी बनी हुई है। ये एकेडमिक ब्लॉक है, फिर बीच बीच में चीज़ें थोड़ी थोड़ी कनेक्टेड भी हैं एंड छोटे छोटे क्लासरूम्स टाइप भी बने हैं। एंड ये वाला जो साइड है इधर देख सकते हो, जैसे ये भी एकेडमिक ब्लॉक ही है, एंड आगे वाला जो ब्लॉक है वो लेक्चर थिएटर ब्लॉक है। तो बेसिकली सुबह सुबह तो बड़ी ठंड थी, काफ़ी मुश्किल से बनाया ब्लॉक। तो ऑफकोर्स आप लोग शेयर करना, जितने भी सब लोग हों उनमें शेयर करना इस वीडियो को। एंड उसी साइड को मैं एक बार फिर से एक्सप्लोर किया, तो बेसिकली यही देखा मैंने कि यहाँ पे ये एकेडमिक ब्लॉक है, पूरा अच्छा बना है, प्यारा बना है। एंड उस साइड में थोड़े दिख रहे हैं वो हॉस्टल्स और डिफरेंट टाइप के फ्लैट्स हैं प्रोफेसर्स वगैरह के लिए एंड SRJRs के रहने के लिए। तो बेसिकली छोटा सा ही कैंपस है, छोटा सा लैंड एक्वायर किया गया है सिटी के बाहर में, एंड वहाँ पर ये चीज़ ली, यहाँ वहाँ पर पूरा कैंपस बनाया गया है, ठीक है। एंड इसी तरह पूरा जब हमने पूरा चक्कर लगा लिया, तो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर की चीज़ें होती हैं सारे कॉलेज में वो तो हैं ही, कि लड़के लड़की नहीं साथ में घूम सकते वगैरह, सब चीज़ें चलती हैं। लखनऊ के अलावा मुझे लगता है सारे जगह के मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर के लिए रूल बने होते हैं। एंड सुबह सुबह अच्छा लगता है, माहौल अच्छा है। एंड फिर यहाँ से अपन लोग निकलते हैं, तो ये हैं सर्विस क्वार्टर हैं, एंड मेरे एक मतलब अच्छे प्रोफेसर टाइप हैं, उनसे मेरी फेसबुक पे ही बात हुई थी एंड काफ़ी अच्छे थे वो, तो उनसे मैं एंड में मिला भी था। ये क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे प्रोफेसर्स रहते हैं, एंड आगे ही साइड में एक जगह पे बॉयज़ हॉस्टल भी पड़ता है। एंड बस ये बेसिक दो रोड्स हैं जिनके अगल बगल दोनों चीज़ें बनी हुई हैं, एंड जो आगे बस है वो क्या कहते हैं क्लिनिकल्स के लिए ले जाती है प्रोफेसर, या फिर किसी और को जाना रहता है तो। एंड इसके एंड में ये तो वही अपना कैंपस का ही जुड़ा हुआ है, जो एकेडमिक ब्लॉक्स और लेक्चर थिएटर सब जोड़ते हैं। एंड ये लेफ्ट में जो है ये इंटर्न हॉस्टल है, ठीक है। एंड फिर इधर से ही वापस निकलते टाइम तो इधर पे ये गेट है, मेन गेट अभी प्रॉपर नहीं बना है, मेन गेट और सब पता नहीं, कुछ दीवार वीवार की लड़ाइयाँ चल रही हैं सारे कैंपस में। एंड इसके एंड में यहाँ पर है ये रहा गर्ल्स हॉस्टल का गेट, एंड अंदर पड़ता है गर्ल्स हॉस्टल। तो वही है, हॉस्टल सही मिल जाते हैं, दो दो रूम के और नए नए हॉस्टल हैं, बाकी और प्रॉब्लम्स जो है। आप जब कैंपस टूर का पूरा वीडियो देखा है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ एक कैंपस है, ठीक है। इट्स लाइक केवल हॉस्टल्स हैं एंड मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक ब्लॉक है, जो उससे एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। बेसिकली ये जितने भी कॉलेजेस बने हैं ये शहर से काफ़ी बाहर बने, ठीक है। ये लगभग तो जो फैज़ाबाद है इसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इसकी डिस्टेंस लगभग 8 to 10 किलोमीटर है, वहाँ पर इसका हॉस्पिटल है, ठीक है। तो ये व्यवस्था कई अलग जगह पे भी, जैसे शायद मैंने सुना है GMC कोटा का भी हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। बट दिक्कत क्या है कि ऐसा नहीं है कि इनको डेवलप नहीं किया जा सकता एक मेडिकल कॉलेज की तरह, एक अच्छे हॉस्पिटल की तरह। तो जैसे कि ये मेरा घर है एंड ये एम्स भोपाल है, पूरा कैंपस है, यहाँ पे हॉस्पिटल है ऊपर, नीचे फिर कॉलेज है, फिर यहाँ हॉस्टल्स हैं, एंड इधर राइट साइड में नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। बीच में थोड़ा सा मतलब लोगों ने अधिग्रहण पहले पुराना कर रखा तो वो है, एंड बाकी ये पूरा ग्रीन एरिया है, ये सब डेवलप करने के लिए पहले से बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे ही अगर मैं GMC अयोध्या चलता हूँ, तो देख सकते हो मेरा कॉलेज तो काफ़ी सिटी के अंदर भी था, एंड ये राजा दशरथ ऑटोनोमस कॉलेज। तो ये जो है ये लगभग ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो इधर से एंट्री होती है, और मैंने दिखाया था कि ये पूरे ब्लॉक्स मैंने दिखाए थे, एंड ये जो रुकने का वो दिखाया था, ये गेस्ट हाउस है,
एंड ये गर्ल्स हॉस्टल ये दिखाया था। तो बेसिकली ये पहले तो काफ़ी बाहर है, ठीक है, फैज़ाबाद एयरपोर्ट जो है उससे भी काफ़ी बाहर है, एंड ये है पूरा सिटी, ठीक है, ये फैज़ाबाद है। मैंने क्या बोला था, अयोध्या नाम क्यों रखा, देखो अयोध्या इधर साइड है बट ये है फैज़ाबाद के पास, तो इधर है। तो बेसिकली अगर मैं रेलवे स्टेशन भी देखता हूँ ना तो ये पड़ जाता है 7-8 किलोमीटर पड़ जाता है वहाँ से, एंड एक छोटे सिटी के लिए ये हो जाता है। फिर अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूँ, अपनी लोकेशन से नहीं, अगर मैं इसको देखूँ, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ तो मैं थर्ड ईयर से एकेडमिक वाली चीज़ें होती हैं, तो ये डिस्टेंस, ओह सॉरी क्या हो गया, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अयोध्या, वैसे देख लेता हूँ, हाँ ये है। तो ये लगभग कितना है, देखो काफ़ी किलोमीटर्स अंदर जाना पड़ता है एंड काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो बेसिकली यही है कि इतना दूर है हॉस्पिटल, एंड अगर मैं उसको भी विज़िट करता हूँ तो ये है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, देख सकते हो कितना एकदम वरीसम है, मतलब एकदम घुसा हुआ है वो डिस्टेंस, 8 किलोमीटर्स नहीं, थोड़ा और कम हो जाती है बट ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे आओगे फिर यहाँ पे पीजी स्टार्ट करना रहेगा तो अभी उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इस तरह से एक पीजी का पूरी तरह डिस्ट्रेस बन रहा है जो आगे दिक्कत करेगा, ठीक है। सो चलो फिर थोड़ा सा और ज्ञान देता हूँ मैं इस पर। तो दिक्कत यहाँ आती है कि इन्होंने आसपास का जो लैंड है वो ज़्यादा एक्वायर नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ एक एकेडमिक ब्लॉक एंड थोड़े से क्या कहते हैं क्वार्टर्स प्रोफेसर्स के लिए एंड हॉस्टल, इतना इन्होंने बनाया है, एंड इसके अलावा इनको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एसोसिएट होना पड़ेगा। तो दिक्कत ये आ रही है कि MBBS सीट्स काफ़ी बढ़ रही हैं, इस तरीके से काफ़ी तेज़ी से MBBS सीट्स बढ़ाई जा रही हैं एंड अपग्रेड करके और बढ़ा दी जाएंगी, बट यहाँ पे एक पूरी तरह से पीजी डिस्ट्रेस की कंडीशन आ जाएगी, बिकॉज ये छोटे छोटे सिटीज़ में छोटे छोटे इनके वो हैं जहाँ पर वो लोग पीजीज किसी तरह स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसे स्टार्ट करने के लिए भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसके आसपास वैसे ही ज़मीन नहीं है ज़्यादा, तो वो पीजी स्टार्ट करना उनके लिए काफ़ी टफ पड़ेगा एंड काफ़ी चीज़ें अपग्रेड करना काफ़ी टफ पड़ेगा। एंड जब फिर उसको वो अपग्रेड कर भी देंगे तो सिर्फ पीजी डिपार्टमेंट स्टार्ट हो सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट स्टार्ट करना सच में बहुत टफ होगा, बिकॉज ऐसी कोई व्यवस्था बनी नहीं हुई, ना ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, ना ऐसी छोटे सिटी में कोई आके जल्दी से कॉलेज में काम करना चाहेगा। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स थे जो मैंने सोचा मैं आप लोगों को हाईलाइट भी कर सकूं, एंड जो उसके पहले खुले जैसे GMC बांदा है, इट्स नीचे भरता है एंड दूर है, अच्छे एरिया में नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो भी सिटी के बाहर है, बट स्टिल इट हैज़ अ फुल कैंपस, उनके पास सब चीज़ें हैं। इनमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई बेसिक अच्छा ग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरी एकेडमिक ब्लॉक में मिल जाती है बट एक ग्राउंड होता है जो बेसिक होता है वो नहीं होता है, साथ साथ हॉस्पिटल नहीं रहता। तो थर्ड ईयर से आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, उसके लिए बसेस अवेलेबल कराए जाएंगे या फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने सोचा कि मैंने सब चीज़ें देखी तो आपसे मैं डिस्कस कर सकूं। आप ले सकते हो कॉलेज, एकेडमिकली मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, सिटी वाइज देख लेना, जैसे अयोध्या एक अच्छा सिटी है एंड एकेडमिकली धीरे धीरे ग्रो कर जाता है सब कुछ, बट उसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज लाइफ रहती है वो आपको बेसिकली उतनी अच्छी नहीं मिल पाती इन कॉलेजेस में। तो अगर आपके ड्रॉप्स ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इन कॉलेज को ज़रूर ले लो, एंड अगर आपको लगता है एक ड्रॉप देकर और अच्छा कॉलेज ले सकते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा लाइफ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 5.5 साल क्या करते हो, आपको पीजी के टाइम ज़्यादा ड्रॉप देने हैं या फिर तब आपको ज़्यादा फोकस करना है तो आप इन कॉलेज को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।